ये फिल्म ईंट भट्टा श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन CLRA और सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन CEC द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। ये फिल्म ईंट भट्टा श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन को दर्शाती है तथा उन्हें सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने का प्रयास है जिसके वे हकदार हैं। इसका किसी भी तरह से ये तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता कि ये योजनाएं सभी को आसानी से उपलब्ध होती हैं। पंद्रह पंद्रह दिन में खर्ची देते हैं इनको और पैसे की इनकी जितनी भी जरूरत है उतना दे देते हैं, चाहे इनको 2,000 चाहिए 3,000 चाहिए जितना भी चाहिए इनको दे देते हैं। और इनका जो बस्ता है जो जब ये लेबर जाएगी जब देंगे इनको, क्योंकि इनको दे भी देते तो ये रखेंगे कहाँ, इनके पास मकान नहीं है भाई, पक्का मकान नहीं है, लॉकर नहीं है, बैंक नहीं है, तो ये पैसे हमारे पास से देते हैं जितने भी रहते हैं इनके, बच जाएंगे इनके 10,000 निकलेंगे 10 दे देंगे, 20 निकलेंगे 20 दे देंगे, जो भी इनको पैसे दे के वो रवाना कर देंगे। इसका कोई गारंटी नहीं कि हम लोग कितना ही काम कर सकते इसमें, कि हम लोग 50,000 काम करेंगे कि 40,000, इसका कोई गारंटी नहीं। मेन प्रॉब्लम तो यह है कि अगर अपन बात करें कि बिना नशे के कोई काम कर पाएँ ये तो नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक दिन पी लेते हैं खर्ची का बस, रोज थोड़ी पीते हैं हम। अपन आम लोग कहें कि आप लोग जो है नशा छोड़ के काम करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगर ये आगे हो के आए कि भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है, भट्टे पे लेबर आ चुकी है और लेबर अगर कहे कि भाई एजुकेशन की ज़रूरत है तो हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल नहीं है। यूनियन वाले हैं वो हमारे को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि ये लेबर को तुम पैसे नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो। लेबर को हम बराबर पैसे देते हैं, लेबर को एडवांस देते हैं जब भी लेबर आती है, नहीं तो लेबर नहीं आती है। और लेबर कोई बंदिश नहीं है, लेबर कभी भी जा सकती है, कोई हमारी मनाही नहीं है। अगर कोई समस्या आती भी है तो फिर ये चले भी जाते हैं, कोई ये भी बाउंड नहीं है कि भाई आपको 8 महीने काम करना ही करना है। वहाँ से हम लेबर लाए, एडवांस दिया, अब एडवांस ले लिया कोई 50,000 ले लिया और उसने ईंटें थापी, ईंटें बना के कम 1,00,000 रुपए निकल रहा है भरने के बाद, खर्चों भी चले चले। अब काम करने के ऊपर है, काम करे तो पैसा है और नहीं करेगा खाना है पीना है दारू पीना है घूमना है मांस खाना है तो वो अलग की बात। ठेकेदार पैसा दे दिया, एडवांस दे दिया, लेके चले आए, चलो चलते हैं भी थाप लेते हैं इस बार। कर्जा हमारे पास बहुत होते हैं तो हम लोग एडवांस लेते हैं, वो इसी में चला जाता है, और जो काम करते हैं यहाँ बचता है वो जाकर हम लोग खाते हैं 2-3 महीने जितने दिन रहते हैं, फिर उसके बाद भट्टे का सीजन आता है आ जाते हैं। हम लोग जब घर पे थे तो हमारे गाँव के आस पास के ही वो लोग थे, बंदे थे, वो लेकर आया जमादार को, तो हमें कुछ पता नहीं था, तो एडवांस के बारे में बात हुआ तो इतना एडवांस दूंगा उसने बोला, तो हमने कहा कि ठीक है जाएंगे। पैसे तो झोंक लिया हम लोगों ने, लेकिन मन में थोड़ा विचार करना पड़ा, इतना दूर राजस्थान पता नहीं कहाँ पड़ता है, कहाँ है, कैसे रहेंगे जाएंगे। तो अब कोई फिक्स नहीं है, वो ठेकेदार के ऊपर रहता है, अगर लाएगा तो यहीं आएंगे, नहीं तो दूसरे भट्टे डाल देता है। भट्टे पे काम करने में बहुत बेकार है मेरे हिसाब से। बाबू जी कोई लेबर, कोई गरीब हो लेके मार जाओ 2-4 लाख रुपये तो सेठ बेकार काम करे, कहाँ से चुकता करे सब। सरकार हमारे को कुछ भी नहीं दे रही है, हम खुद ही दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं इनको, पानी हम दे रहे हैं, झुग्गी हम बना के दे रहे हैं इनको, लकड़ी जलाने के लिए हम दे रहे हैं, इनके बच्चों के लिए आंगनबाड़ी वो चल रही है, सारी सुविधा दे रहे हैं हमारी तरफ से, दवाई है कुछ भी है, रात को हरी बीमारी हो जाती है गाड़ी मंगवा लेते हैं तो हमारी गाड़ी आती है, इनको दवाई दिला के वापस ले आती है। जगजग में प्लांट तब्दील करने में 50,00,000 रुपए एक्स्ट्रा लगता है। अब हमने सरकार कोर्ट से समय लिया है, हमें कोर्ट ने 2 साल का समय दिया है, 2 साल में ज़्यादातर भट्टे जगजग में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ हो गए इस साल भी हुए हैं, कुछ अगले साल होंगे और उससे अगले साल में सारे जगजग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पॉल्यूशन इससे कम होता है और हमारी ईंट की क्वालिटी भी वो भी अच्छी निकलती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पे थोपा गया है ये कानून, हमें भी फायदा है,
पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारी ईंट की क्वालिटी भी अच्छी निकलेगी। करीब करीब जगह जगह भट्टे में 90% अव्वल निकलती है। और जितने बार वर्कर काम करने वाले हैं उनको भी हमारे से और भट्टों के हिसाब से अच्छा बेनिफिट यहाँ मिलता है। जैसे कि वो लोग वहाँ 10,000 रुपये महीने काम करते हैं तो वो हमारे यहाँ 20,000 और 22,000 रुपये महीने पगार पाते हैं महीने की। अब यहाँ साहब वो ये तो टेम्परेरी रहने के लिए है, मालिक अपना नहीं पक्की जोगी बनवाता है, यहीं ऐसे पक्की ईंट दे दिया और ऐसे बनाने के लिए 7-8 महीना व्यतीत करना है तो अब लेबर के लिए बनवा देता है। तूफान आया तो उड़ता है, नहीं तो बचा रहता है, पानी से बचाव होता है बस। नहीं जाते बाथरूम के, नहीं मतलब इनमें 4 लेटरिन बाथरूम है, हर हाल उनमें पानी की सुविधा नहीं है, लाइट भी नहीं है, वो है दूर। अब हमारा रास्ता पड़ता है यहाँ, वो बना हुआ है वहाँ। अब वहाँ जाएंगे तो 4 में पुरुष जाएंगे तो 4 में औरतें जाएंगी, तो उनमें पानी भी नहीं है। कुल मिलाकर फिर कितने जने जाएंगे, लेबर कम से कम 100-200 लेबर तो है ही, इतने आदमी तो सुबह सबको जाना पड़ता है। तो इसीलिए आधा सोचता कोई अंदर जाता है, कोई अलग चल जाता है, कोई बाहर चल जाता है। उसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। अरे वो पहली बार तो कोई ना कोई पानी नहीं रहता, यही जादुआ राजा तो कौन साफ करे उनको, पानी की सुविधा हो तो पानी और लाइट वगैरह जाएंगे क्या जाएंगे। सर तो आई हुआ भाई क्या भाई यार, आधी गाड़ तुम्हें पूछा वो लाइट वगैरह की कह रही है, पानी की कह रही है भाई, माँ दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए, हरी बीमारी के मायने परेशानी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज धनी मैं बनू। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या डॉक्टरी की सुविधा नहीं है नजदीक, बहुत दूर जाना पड़ता है। और जो महावारी जैसे दिनों में तब आप क्या करते, तब भी शौचालय नहीं जाते? हम तो बाहर ही जाते, बाहर तब भी बाहर जाते। जैसे हम ऐसे गोला बना लेते हैं ईंट का, उसमें बनाते हैं, नहाते हैं उसी में, ऐसे खुले में तो नहीं नहाते हैं, और ऐसे गोला बना लेते हैं उसमें कर लेते हैं सारा। इनमें इतनी नेगेटिविटी है कि भाई वैक्सीनेशन लगवाने से हम बीमार हो जाएंगे, हमारा जो शरीर है वो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम तो 3 दिन तक तो बुखार ही नहीं उतरेगा, फिर हम क्या करेंगे। तो इन्होंने जो वैक्सीनेशन जो लगवाया था बहुत मुश्किल से लगवाया, जब हमने दबाव हमको इन पे बनाना पड़ा। अभी जो नई जो आ रही है ना, नया जो वायरस आ रहा है, ये वायरस बहुत खतरनाक है, और इस वायरस से अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित है, मतलब पूरे परिवार को बीमारी हो सकती है। ठीक है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो इस लहर से बच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको वो हुआ लेकिन वो बच सकते हैं, उनको थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी होगी उसके बाद बच जाएंगे, लेकिन जिन्होंने एक बार भी वैक्सीन नहीं लगाई उन पे खतरा ज़्यादा है, वो उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी सबसे ज़्यादा उनको अटैक करेगी। नेगेटिविटी इसलिए है कि पहले कोई समय में इन पे शोषण किया जाता था, तो वो अभी तक बरकरार है, इसका मुख्य कारण और यही है, और कोई मुख्य कारण नहीं है। जैसे अपन बात करें अभी भी पंजाब और हरियाणा की, तो वहाँ के जो मालिक हैं वो अभी भी दबंग हैं, तो वो दबंगाई जो है जो सब जगह, अपना राजस्थान की अगर बात करें तो इतना नहीं है, नेगेटिविटी की बात करें तो उधर ज़्यादा है, आज भी है, क्योंकि 8-6 महीने बराबर काम मिलता है, गांव में रहते हैं तो 2 दिन काम हुआ, 3रे दिन बंद हुआ, तो वो तो खाने पीने भर के लिए, और 8-7 महीने अगर काम चल गया बराबर तो पैसा तो फुल बचता है, तो बढ़िया पैसे लेके जाते हैं। मुख्य चैलेंज तो यही है कि वो केवल एक अपना जीवन इस तरह से बिताते हैं कि भाई खाना पीना और चले जाना है, आज यहाँ है तो कल कहीं और जाना है, कोई भी इनका फिक्स नहीं है कि एक जगह ही रहना है। झूले के बड़ा साधो दुलोरिन मैया
सांझ की बेराए हे मोर हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधोमा हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधोमा गर्दन में लगे चिटको सोना हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधोमा हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधोमा।